नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल टीएनए में। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम रेनॉ की कैप्चर और टाटा की नेक्सॉन को कंपेयर करने वाले हैं। अगर आपके जहन में भी इन दोनों गाड़ियों के बारे में कोई सवाल है तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, असल में कैप्चर को निसान की किक्स या फिर ह्यूंडई की क्रेटा के साथ में कंपेयर करना चाहिए, लेकिन कैप्चर टाटा नेक्सॉन से 99,000 रुपये से लेकर 1,49,000 रुपये महंगी आती है। इनफैक्ट टाटा नेक्सॉन के AMT वेरिएंट्स भी कैप्चर के मैनुअल वेरियंट से 39,000 रुपीज से लेकर 99,000 रुपये तक सस्ते आते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि इतने बड़े प्राइस डिफरेंस को क्या रेनॉ की कैप्चर जस्टिफाई कर पाती है। हालांकि इस प्राइस डिफरेंस में मेजर रोल प्ले करने वाला फैक्टर ये है कि कैप्चर सब 4 मीटर SUV नहीं है, जिसकी वजह से इस पर लगने वाले टैक्स का इस प्राइस डिफरेंस में एक अहम हिस्सा है। इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सस्ती होने के बावजूद भी क्या नेक्सॉन हमें कुछ वैल्यू एडिशन फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है। रेनॉ कैप्चर का हाल इतना बुरा है कि अगर हम जनवरी और फरवरी दोनों महीनों के सेल्स फिगर की बात करें तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद भी पिछले दोनों महीने में कैप्चर की एक भी यूनिट सेल नहीं हुई है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी प्राइसेस कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। आइए कंपेयर करते हैं रेनो की कैप्चर और टाटा की नेक्सॉन को और जानते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से, जिसे मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दे दूंगा। पेट्रोल मैनुअल में रेनो कैप्चर टॉप वेरिएंट आपको मिलता है 12,08,999 रुपये का और डीजल में कैप्चर का टॉप एंड वेरिएंट आपको आएगा 13,08,999 रुपये का। स्क्रीन पर जो प्राइस फ्लैश हो रही है उसमें मैंने नेक्सॉन की प्राइसिंग भी दे दी है। अगर आप इस पर गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि कैप्चर मैनुअल वेरिएंट में नेक्सॉन से 99,000 रुपये से लेकर 1,49,000 रुपये तक महंगी है। इनफैक्ट नेक्सॉन के AMT वेरिएंट्स भी कैप्चर के मैनुअल वेरिएंट से 39,000 रुपीज से लेकर 99,000 रुपये तक सस्ते हैं। चलिए अब मुड़ते हैं दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस इन सभी मामलों में कैप्चर नेक्सॉन से काफ़ी बड़ी है और इसीलिए जाहिर सी बात है कि इसमें आपको केबिन के अंदर और बूट में नेक्सॉन के मुकाबले ज़्यादा स्पेस मिलेगा। बूट की बात हो ही रही है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कैप्चर में आपको 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं नेक्सॉन में आपको केवल 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो रेनो के कैप्चर में आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 106 PS की पावर बनाता है 5600 RPM पर और 142 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4000 RPM पर। 1.5 लीटर डीजल में 110 PS की पावर जनरेट होती है 3850 RPM पर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन 1750 RPM पर। टाटा नेक्सॉन के इंजन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4000 RPM पर। वहीं 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन में नेक्सॉन आपको 110 PS की पावर जनरेट करती है 4000 RPM पर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस के बारे में। तो कैप्चर में आपको मिलता है 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 5.2 mm का टर्निंग रेडियस
जो कि केवल 0.1 mm ज्यादा है। नेक्सॉन में मिलने वाले 209 mm ग्राउंड क्लियरेंस और 5.1 mm टर्निंग रेडियस के मुकाबले में। अब जानते हैं कि दोनों गाड़ियां कितनी भारी है, यानी कि इनका वजन, जिसे जानकर आप एक बेसिक अंदाजा लगा पाएंगे कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेहतर है। टाटा नेक्सॉन का वजन है 1188 किलोग्राम से लेकर 1250 किलोग्राम तक, वहीं कैप्चर का वजन है 1184 किलोग्राम से लेकर 1250 किलोग्राम तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो नेक्सॉन में आपको मिलता है 44 लीटर का फ्यूल टैंक और कैप्चर में आपको मिलेगी 50 लीटर की फ्यूल टैंक। फ्यूल की बात हो ही रही है तो लगे हाथों इनकी माइलेज भी जान लेते हैं। नेक्सॉन में आपको मिलेगी कंबाइन माइलेज, यानी कि पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सबकी मिलाकर कंबाइन माइलेज आपको मिलेगी 17 kmpl से लेकर 22 kmpl तक, और कैप्चर आपको ऑफर करेगी 14 kmpl से लेकर 20 kmpl तक की कंबाइन माइलेज। व्हील्स की जहां तक बात है दोस्तों, नेक्सॉन में आपको मिलेंगे 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, वहीं कैप्चर में आपको मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, जो कि है DRLs एंड ऑटो हेडलैम्प्स। ये दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। रियर स्पॉइलर आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। रूफ रेल्स भी आपको नेक्सॉन और कैप्चर में देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको टॉप एंड वेरिएंट में ड्यूल टोन रूफ का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एक्सटीरियर में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स। दोनों गाड़ियां आपको बेहतरीन एक्सटीरियर क्वालिटी ऑफर करती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स आपको मिल जाएंगी। 17 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर एसी वेंट्स मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। उसके अलावा ये गाड़ियां आपको ऑफर करेंगी पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। दोनों गाड़ियों में आपको रियर आर्मरेस्ट मिलेगा अलॉन्ग विथ कप होल्डर। दोनों गाड़ियों में आपको ABS प्लस EBD प्लस ब्रेक असिस्ट का फीचर मिल जाता है। उसके अलावा आपको मिलेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा। नेक्स्ट इज रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड लास्ट दोनों गाड़ियां आपको ऑफर करेंगी टिल्ट पावर स्टीयरिंग। इनके अलावा भी अगर इन दोनों गाड़ियों में कोई कॉमन फीचर्स हैं जो यहाँ मेरे से छूट गए हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि वो कौन से फीचर्स हैं। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको रेनो की कैप्चर में तो मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में ये आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहला फीचर है दोस्तों जो रेनो की कैप्चर आपको ऑफर करेगी, वो है फुल LED हेडलैम्प्स। नेक्स्ट इज 17 इंचेस अलॉय व्हील्स का ऑप्शन आपको कैप्चर में मिलता है, वहीं नेक्सॉन में आपको केवल 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं। ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री कैप्चर में आपको देखने को मिल जाएगी, वहीं नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको केवल प्रीमियम फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं फॉग लैंप्स के बारे में। तो कैप्चर में आपको मिलते हैं LED फॉग लैंप्स, जो कि आपको नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि नेक्सॉन में भी फॉग लैंप्स मिलेंगे लेकिन वो LED फ्रंट फॉग लैंप्स नहीं होंगे। एक स्मार्ट कार्ड एक्सेस की आपको मिलती है कैप्चर के साथ में, वहीं नेक्सॉन में आपको एक वियरेबल स्मार्ट वॉच की तरह की मिलेगी। यहाँ पर ये भी एक डिफरेंस है। आगे मुड़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में। तो रेनो के कैप्चर में आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे, वहीं टाटा की नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट में आपको केवल ड्यूल एयरबैग्स मिलते हैं। कुल मिलाकर यही वो 5 या 6 फीचर्स थे जो आपको रेनो की कैप्चर में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलते। अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले उन फीचर्स की जो आपको ढूंढने पर भी कैप्चर में नहीं मिलेंगे। एक बात पर और गौर कीजिएगा, ये लिस्ट नेक्सॉन के मामले में थोड़ी ज़रा लंबी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से जो नेक्सॉन में आपको मिलता है लेकिन कैप्चर में नहीं मिलेगा, वो है 15 लीटर का यूनिकली डिज़ाइन मल्टी यूटिलिटी कूल क्लब बॉक्स अलॉन्ग विद 2 कप होल्डर, वॉलेट होल्डर, विजिटिंग कार्ड और अ क्रेडिट कार्ड होल्डर। अगला फीचर है दोस्तों 4 कैरी बैग हुक जो आपको नेक्सॉन में बूट में मिल जाते हैं। उसके अलावा केबिन में हैंडबैग हुक्स मिल जाते हैं को पैसेंजर के फुटवेल के पास में और बी पिलर पर।
अगला फीचर है जो नेक्सॉन ऑफर करेगी वो है, या फिर इसे कह सकते हैं कि आजकल टाटा की लगभग हर एक गाड़ी में आपको ये फीचर मिल जाता है, वो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। हालांकि ये कोई फीचर नहीं है, बट ये देखने में ओवरऑल डैशबोर्ड के लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है। नेक्स्ट इज दोस्तों, नेक्सॉन में आपको मिलेगा फ्रंट स्लाइडिंग आर्म रेस्ट विथ अ स्टोरेज स्पेस। उसके अलावा नेक्सॉन यूटिलिटी स्पेसेस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से मैनेज करती है। उसी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि नेक्सॉन में आगे के दोनों डोर्स में आपको मिलेंगे अम्ब्रेला होल्डर्स, ड्राइवर फुटरेस्ट मिलेगा एक डेड पेडल के तौर पर। नेक्सॉन में आपको हम भारतीयों का सबसे फेवरेट फीचर देखने को मिलता है, वो है सनरूफ, जो कि आपको कैप्चर में नहीं मिलेगा। मल्टी ड्राइव मोड्स आपको नेक्सॉन में मिलते हैं जो कि है इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। वहीं कैप्चर में आपको केवल एक ही मोड मिलता है जो है इको मोड। नेक्सॉन में आपको एक स्मार्ट वॉच की तरह स्मार्ट वियरेबल की मिलेगी, वहीं पर कैप्चर में एक स्मार्ट कार्ड की मिलती है। नेक्सॉन आपको ऑफर करता है एक्सप्रेस फास्ट एसी कूलिंग फीचर, जो आपको कैप्चर में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले फीचर के बारे में, जो है दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। जहां पर कैप्चर में आकमिस ट्यून साउंड मिलता है, वहीं नेक्सॉन में आपको म्यूजिक सिस्टम आता है बाय हर्मन कार्डन अलोंग विद 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स। कॉमन फीचर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि AM, FM, USB, ऑक्सिन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वगैरह, तो इसके अलावा नेक्सॉन का सिस्टम यहाँ पर बाजी मार ले जाता है, क्योंकि हार्मन का होने की वजह से इसकी साउंड क्वालिटी कैप्चर के म्यूज़िक सिस्टम से थोड़ी बेहतर है। उसके अलावा ये आपको कुछ बेहतरीन फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि कॉल लॉक्स फॉर इनकमिंग, आउटगोइंग एंड मिस कॉल्स, इमेज एंड वीडियो प्लेबैक, कॉल रिजेक्ट ऑप्शन विथ SMS नोटिफिकेशन, व्हीकल लाइव लोकेशन ट्रैकिंग आप इससे कर सकते हैं, और एक कनेक्टेड ऐप भी आपको मिलता है। ऐसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको इस म्यूज़िक सिस्टम में मिलते हैं जो रेनो की कैप्चर आपको ऑफर नहीं करती है। अब जो फीचर की तरफ हम मुड़ने वाले हैं, वहाँ से लिस्ट शुरू होती है काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स की, जो आपको आज की डेट में टाटा नेक्सॉन बेस वेरिएंट से ही ऑफर करता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर की, जो है ब्रेक डिस्क वाइपिंग, जो आपको कैप्चर में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, नेक्स्ट इज हिल होल्ड कंट्रोल, एंड द लास्ट सेफ्टी फीचर विच कम्स विद नेक्सॉन इज रोल ओवर मिटिगेशन। अगला फीचर है दोस्तों जो नेक्सॉन आपको ऑफर करेगी, वो है डे नाइट IRVM। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज नेक्सॉन आपको आती है ग्लोबल NCAP 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नेक्सॉन इंडिया की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लाने वाली सबसे पहली गाड़ी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट वारंटी ऑफर। नेक्सॉन में आपको मिलती है 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी, वहीं कैप्चर में आपको मिलेगी केवल 2 साल या फिर केवल 50,000 किलोमीटर्स की वारंटी। अब अगर हम सारी चीज़ों को जानने के बाद कंक्लूजन की बात करें, तो कैप्चर नेक्सॉन से बड़ी भी है और महंगी भी है, लेकिन फिर भी कई सारे मॉडर्न एज अप मार्केट फीचर्स इसमें मिसिंग है, जो सस्ती होने के बावजूद भी नेक्सॉन ऑफर करती है। कैप्चर में आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, लेकिन नेक्सॉन डे टू डे रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल यूटिलिटी स्पेसेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करती है और ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस दोनों ही गाड़ियों में बराबर है, लेकिन नेक्सॉन का इंजन बेहतर पावर फिगर्स और माइलेज ऑफर करता है। इसके अलावा नेक्सॉन में कई सारे टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जो आपको कैप्चर में नहीं मिलेंगे। बेहतर वारंटी पैकेज मिलता है, इसी के साथ में आपको ग्लोबल NCAP की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भी मिलती है। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से अपने ज़रूरत के हिसाब से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि मॉडर्न एज और अप मार्केट फीचर्स के मामले में कैप्चर थोड़ी आउटडेटेड लगती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।